हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम जटो के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिरमौर की हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस। उससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी सिरमौर की हिस्ट्री, तो आज हम जान लेते हैं सिरमौर के बारे में अन्य फैक्ट, जैसे सिरमौर में कितने मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, सिरमौर में कौन सी नदियाँ बहती है, कौन सी परियोजनाएँ हैं, कौन से मेले लगते हैं। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है एग्जाम में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम देख लेते हैं मंदिर कि सिरमौर में कौन कौन से मंदिर है। सबसे पहले मैप के थ्रू जान लेते हैं। ये जो है ये सिरमौर का मैप है जो आपको सामने दिख रहा है, ये सिरमौर का मैप है और इसमें आप देखना मैंने हाईलाइट किया हुआ है पौंटा साहिब, कोलर, त्रिलोकपुर, नाहन, रेणुका जी और चूड़धार। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊपर चूड़धार से देखते हैं, चूड़धार में कौन सा मंदिर है, शिरगुल मंदिर है, ठीक है। अब त्रिलोकपुर में कौन सा मंदिर है, त्रिलोकपुर भी सिरमौर में ही स्थित है, तो यहाँ पे माता बालासुंदरी का मंदिर है जो 84 घंटियों की देवी का मंदिर भी उसको कहा जाता है और इसका निर्माण दीप प्रकाश ने करवाया था 1573 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं नाहन। नाहन में बहुत सारे मंदिर हैं जो कि हमारी हिस्ट्री को दर्शाते हैं। सबसे पहले देखते थे जगन्नाथ मंदिर, ये है नाहन शहर का सबसे प्राचीन टेंपल है। दूसरा है शिव मंदिर, रानीताल बाग, पिछली वीडियो में हमने वो पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा या फिर एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी वीडियो। लक्ष्मी नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, रामकुंडी मंदिर, कालिस्तान मंदिर, ये सारे मंदिर नाहन में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कोलर में कौन सा मंदिर है, कटासन मंदिर, किसने इसकी निर्माण करवाया था, जगत प्रकाश ने। अगला है हमारा रेणुका मंदिर, रेणुका में गायत्री माता जी का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था, महात्मा परायाचंद ने करवाया था और इसको जो रेणुका माता जो गायत्री मंदिर है वहाँ पे उनको वेदों की माता भी कहा जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, आपको उसमें पता चल गया होगा मैप में कि कौन सी जगह कहाँ पर है। सबसे नीचे हमारा कोलर है, उसके ऊपर पौंटा, रेणुका, ऊपर सबसे ऊपर चूड़धार है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब किस मंदिर का निर्माण कौन से राजा ने कब करवाया था। 1573 ईस्वी में त्रिलोकपुर मंदिर, जिसको 84 घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है, बालासुंदरी को समर्पित है, वो दीप प्रकाश ने करवाया था। 1681 में जगन्नाथ मंदिर राजा मेदनी प्रकाश ने करवाया था, कब करवाया था, 1681 में। नाहन का सबसे प्राचीन टेंपल है ये। 1708 में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, राजा भूप प्रकाश ने। अब 1767 में रामकुंडी मंदिर का निर्माण हुआ था, कीर्ति प्रकाश ने करवाया था। 1785 में कटासन मंदिर का निर्माण हुआ था, किसने करवाया था, जगत प्रकाश ने करवाया था। 1830 में कालिस्तान मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण किसने करवाया था, विजय प्रकाश ने करवाया था। 1889 में देई साई मंदिर, राजा शमशेर प्रकाश तो बहुत ज़्यादा फेमस राजा है, उसकी बहन जो देई साहिब थी उसने ये मंदिर बनाया था, कहाँ पे बनाया था, पौंटा साहिब में, ऊपर हमने मैप में देखा है। फिर 1889 में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, शमशेर प्रकाश ने। ये शिव मंदिर कहाँ पर है, नाहन में है और कहाँ, रानीताल बाग में स्थित है। अगला आता है हमारा गायत्री मंदिर, जो है वो कहाँ पर स्थित है, रेणुका में स्थित है और महात्मा परायाचंद ब्रह्मचारी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अगला आता है हमारा शिरगुल मंदिर, चूड़धार में स्थित है, ये गायनी माता का मंदिर जो हरिपुर धार में स्थित है और ये हरिपुर धार का सिरमौर में ही स्थित है। पता चल गया है कौन से मंदिर किसने बनाया, कब बनाया है। अगला हम देख लेते हैं नदियाँ, अगला टॉपिक है इसमें नदियाँ कि सिरमौर जिले में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। पहला देख लेते हैं गिरी नदी, जलाल नदी, बाटा नदी, मारकंडा नदी, यमुना नदी, टोंस नदी और घग्गर नदी, 7 मुख्य नदियाँ जो है वो सिरमौर में बहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिरी नदी। गिरी नदी का उद्गम स्थल है जुगुप्पर चोटी, जो कि शिमला में पड़ता है जुब्बल, ठीक है। दूसरी है जलाल नदी, जो गिरी नदी है वो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सिरमौर में, ठीक है।
और ये नदी जो गिरी नदी है वो सिरमौर को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार। ठीक है, अगली आती है हमारी जलाल नदी। जलाल नदी यह बनी गांव में उद्गम स्थल है, ये पच्छाद से निकलती है, पच्छाद में पड़ता है ये बनी गांव, और यह धाटी धार और गिरी आर गिरी पार एरिया को, गिरी आर और धाटी धार को ये क्या करता है, दो बराबर, जिसको हम सेंधार भी बोलते हैं, सेंधार और धाटेधार को ये दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी बाटा रिवर। ठीक है, बाटा रिवर का जो उद्गम स्थल है वो सियोरी कुंड है। सियोरी कुंड कहाँ पे पड़ता है, धाटी धार में पड़ता है, ये यहाँ से निकलती है बाटा नदी। नेक्स्ट है हमारी मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थल है वो बड़ावन कटासन है, वहाँ से निकलती हैं ये और कालाम में हरियाणा में प्रवेश कर लेती हैं। आपको पता होगा कालाम जो है सिरमौर के साथ उसकी जो सीमा बनती है, यानी हरियाणा के साथ कालाम की सीमा बनती है, तो वहाँ पे ये क्या कर लेती है, हरियाणा में प्रवेश कर लेती है। ठीक है, अगला है हमारा यमुना रिवर। यमुना नदी इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री, और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। ये हिमाचल में केवल 22 किलोमीटर बहती हैं, और सिरमौर में कहाँ बहती है, पोटा साहिब में ये बहती हैं। ठीक है, अगली है हमारी टोंस रिवर। इसका उद्गम स्थल है कोटी गांव, यानी ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से, और कोटी गांव उत्तराखंड में कोटी गांव से निकलती है। नेक्स्ट हमारी है घग्गर नदी। घग्गर नदी लवासा से निकलकर प्रीति नगर के पास हिमाचल से प्रवेश में, हिमाचल से हरियाणा में प्रवेश कर लेती है, यानी इसका उद्गम स्थल क्या है, लवासा। लवासा इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं नदियाँ हो गई हमारी, सात मुख्य नदियाँ बहती हैं। अगली है हमारी झीलें। सिरमौर में कितनी मुख्य झीलें हैं, ओनली दो मुख्य झीलें हैं, एक है रेणुका झील, दूसरी है सुकेती झील। जो रेणुका झील है उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल, यह क्या है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है कहाँ के, हिमाचल प्रदेश की। इसकी कितनी लंबाई है, 2.5 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर ये लंबी है। प्राकृतिक झील का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्रकृति ने हमें दी हुई है। ठीक है, और इसकी आकृति सोई हुई स्त्री की देह की तरह है, इसकी आकृति ऐसे है जैसे सोई हुई स्त्री की तरह। ठीक है, अब है सुकेती झील। सुकेती झील कहाँ पे है, ये कालाम के नज़दीक सुकेती जो जीवाश्म पार्क है उसका, उसके नज़दीक है ये सुकेती झील। ठीक है, अब आते हैं मुख्य, जो हमारा अगला टॉपिक वो है सिरमौर के मेले। सिरमौर में कौन कौन से मुख्य मेले मनाए जाते हैं। फर्स्ट है रेणुका, रेणुका झील हो गया, रेणुका में गायत्री मंदिर है, और अगला है यहाँ पे रेणुका मेला, रेणुका फेयर जिसको हम बोलते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में मनाया जाता है, ऑब्वियसली बात है। ये 6 दिन के लिए मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, जैसे दिवाली होती है, दिवाली के 20 डेज बाद ये मनाया जाता है, और अक्टूबर में या नवंबर में ये आता है मेला। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। अब पौराणिक विचारों के अनुसार अगर हम बात करें, या पुराने विचारों के अनुसार अगर बात करें, तो यह माँ रेणुका के सबसे छोटे बेटे परशुराम, आपने सुना होगा परशुराम भगवान सुना है, तो वो क्या है, रेणुका माता के पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र, हर साल अपनी माँ से मिलने आते हैं। यह मेला परशुराम और रेणुका माता की वार्षिक बैठक को समर्पित है, वार्षिक मिलाप को समर्पित है। मतलब जो परशुराम भगवान है हर साल अक्टूबर नवंबर को अपनी माता से मिलने आते हैं, 6 दिन का ये मेला होता है, उसके अवसर पे ये मेला मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा त्रिलोकपुर मेला। अभी हमने पढ़ा त्रिलोकपुर में कौन सा मंदिर है, बाला सुंदरी का मंदिर है, माता बाला सुंदरी का मंदिर मेला लगता है वहाँ पे, बाला सुंदरी माता को ये समर्पित होता है मेला। त्रिलोकपुर मेला कहाँ पे लगता है, सिरमौर ज़िले में लगता है। ठीक है, ये जिला स्तरीय का मेला है और बाला सुंदरी माता को ये समर्पित है। और कितने दिन का मेला लगता है, ये 17 दिवसीय मेला होता है, 17 दिन का ये मेला लगता है। अगला है हमारा ब्यास मेला, ये होली के त्यौहार से 5 दिन पहले लगता है। अब है विशु महोत्सव, ये सिरमौर में बहुत ही उत्साह से मनाए जाने वाला मेला है, और ये क्या होता है, इसमें
तीरंदाजी इस मेले का मुख्य आकर्षक होता है। तीरंदाजी क्या होता है, जैसे तीरंदाजी जिसको हम बोलते हैं, धनुष बाण खेल के जो वो खेल किए जाते हैं धनुष बाण वाले, वो विश्व मेले का प्रमुख आकर्षण होता है, वो खेला जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परियोजना, लास्ट टॉपिक है हमारा परियोजना। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में है वो क्या है, गिरी नदी पर स्थित गिरी नगर हाइडल परियोजना है स्थापित की गई है, जो कितने MB की है, 60 मेगावाट की है, और मेगावाट की है क्या है, गिरी नगर हाइडल परियोजना, और ये 30 मेगावाट की दो इकाइयां में इन्होंने क्या करा है, बांटा है इनको 30 मेगावाट की इकाइयों में इसको बांटा है। कौन सी परियोजना है, गिरी नगर हाइडल परियोजना, कहाँ पे स्थित है, सिरमौर में। ये कितने मेगावाट की है, 60 मेगावाट की है। ठीक है, तो पहले से इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सिरमौर में सबसे पहले मेले देख लेते, मंदिर देख लेते कौन कौन से हैं, त्रिलोकपुर मेला, त्रिलोकपुर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, रामकुंडी मंदिर, कटासन मंदिर, कालिस्तान मंदिर, देही साहिब मंदिर, शिव मंदिर, गायत्री मंदिर, शिरगुल मंदिर और भंगाइनी माता का मंदिर। नेक्स्ट है हमारी नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, 7 मुख्य नदियाँ बहती हैं, जलार नदी, बाटा नदी, मारकंडा नदी, यमुना नदी, टोंस नदी, घग्गर नदी। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं झीलें, 2 झीलें हैं, रेणुका झील और सुकेती झील। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेला, रेणुका मेला, त्रिलोकपुर मेला, ब्यास मेला, विश्व महोत्सव, और है परियोजना, कौन सी परियोजना है, गिरी नगर हाइडल परियोजना। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।